श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैं आपके समक्ष उत्साह, साहस और आत्मविश्वास की महत्ता पर चर्चा करने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। हम सभी अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होने की चाह रखते हैं, लेकिन कई बार हमारा उत्साह हमें छोड़ देता है, हमारा साहस धीमा पड़ जाता है और हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। इसी समय पर हमें भगवान कृष्ण की उपदेशों और उनके जीवन के महान कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण एक अद्भुत गुरु, एक महान रणछोड़ और एक उत्कृष्ट उपदेशक थे। उन्होंने हमें न केवल धर्म के महत्व की शिक्षा दी, बल्कि उन्होंने हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन किया। पहले तो हमें उनके उत्साह को देखना चाहिए। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। हमें भी उनकी तरह हर चुनौती का सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने के लिए उत्साहपूर्वक प्रयास करना चाहिए। फिर साहस के मामले में भगवान कृष्ण एक आदर्श हैं। उन्होंने कभी डर नहीं माना और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें भी उनके जैसा साहस और संघर्ष दिखाना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आखिरकार भगवान कृष्ण ने हमें आत्मविश्वास की महत्ता को समझाया। उन्होंने हमें सिद्ध किया कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा आत्मविश्वास है। हमें अपने अंदर के विश्वास को मजबूत करना चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमें भगवान कृष्ण के उत्साह, साहस और आत्मविश्वास का आदर्श अपनाना चाहिए। हमें अपने जीवन में उनके उपदेशों को अमल में लाना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। अगर हम उनके मार्ग पर चलें, तो हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हम सभी यहाँ इस अद्भुत संगठन में एक साथ आए हैं, ताकि हम सभी अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकें। हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में हैं और इस क्षण में मैं हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से प्रेरित करना चाहूंगा। श्री कृष्ण जी ने हमें अनेक उपदेश दिए हैं जो हमारे जीवन को सफल और संतुलित बनाने का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने हमें कर्म के महत्व के बारे में शिक्षा दी और उन्होंने हमें यह सिखाया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, फल की चिंता के बिना। जब हम कर्म के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें फल अवश्य मिलता है। उन्होंने भी यह बताया कि भगवान के साथ आत्मनिर्भरता का महत्व बहुत है। हमें अपने कर्तव्यों को निरंतर पालन करना चाहिए और साथ ही हमें अपने कर्मों के लिए संगठित और समर्पित रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने हमें समाज में सही और गलत का अंतर समझाया। उन्होंने हमें धर्म की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाया और हमें यह सिखाया कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, न उनके आधार पर बल्कि उनके गुणों के आधार पर। उन्होंने भी हमें यह बताया कि जीवन में संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें हर समस्या का सामना करना चाहिए और उसे परास्त करना चाहिए। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हार या जीत हमें आत्मविश्वास में कोई परिवर्तन नहीं लाती है, बल्कि हमें हमेशा सच्चे और संगीत रास्ते पर चलना चाहिए। इस समय में हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने अर्जुन को युद्ध के दृश्य से नहीं भागने का साहस दिया, बल्कि उन्होंने उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। आज हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। हमें धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करना चाहिए और हमें यह समझना चाहिए कि हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे हटने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। समाप्त करते समय मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमें श्री कृष्ण जी के उपदेशों का पालन करना चाहिए और हमें हमेशा सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और समाज में एक उत्तम नागरिक के रूप में योगदान कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक महान गुरु और आध्यात्मिक साक्षात्कार, भगवान कृष्ण के उपदेशों पर आधारित
एक प्रेरणादायक भाषण लेकर आया हूं। भगवान कृष्ण की वाणी में छिपी हुई सत्यता, समर्पण और साहस की बातें हमें जीवन में उन्नति और सफलता की दिशा में अग्रसर करती हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म का फल तो भगवान के हाथ में है, परंतु कर्म करने का अधिकार मनुष्य के हाथ में है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमें केवल कर्म करने पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं। जीवन में हमें कर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए, फल के लिए नहीं। समय समय पर हम जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं जिनसे हमें डर और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने गीता में युद्ध के रूप में जीवन की एक सच्चाई को दिखाया है और हमें समय समय पर अपने आप से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया है। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ किया है कि धर्म का पालन करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सदा ईमानदारी से अपने उद्देश्यों की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए। कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें समस्त मानवता के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। उनकी विशेषता थी, उनका हर काम विचारपूर्वक और ध्यानपूर्वक किया जाता था। भगवान कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमेशा हम सभी को अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने की चाह होती है। हम सभी अपने सपनों को पूरा करने की राह पर चलते हैं, परंतु यह रास्ता कभी कभी कठिनाइयों और परीक्षणों से भरा होता है। इस संग्राम में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए जो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने का मार्ग प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने हमें जीवन के निर्णय लेने और दुखों का सामना करने के लिए मार्गदर्शन किया है। उन्होंने हमें संघर्ष के समय में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। उनके उपदेशों से हमें साहस, संघर्षशीलता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। जीवन में हर अवस्था में हमें एक अच्छे परिणाम को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। परिस्थितियों का सामना करना, अपनी सीमाओं को पार करना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना हमारे विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। वे कहते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, परंतु फल की चिंता करना नहीं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें केवल कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी भय या आक्रोश के। हमें अपने जीवन में विश्वास और संघर्ष के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हमें निरंतरता और समर्थन की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते रहें। बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हमें समर्थ होने की आवश्यकता होती है, और वह समर्थता हमें केवल तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में पूरी ईमानदारी और समर्पण से लगे रहते हैं। इस संग्राम में हमें कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें कभी कभी हार मानने की आज्ञा नहीं होती है। हमें अपनी ताकत को परखने की आवश्यकता होती है और जीवन के हर रुख को स्वीकार करने की क्षमता होती है। जीवन में हर पल एक सीखने का अवसर होता है और हमें उसे एक संवेदनशील तरीके से देखना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों से हमें साहस, संघर्षशीलता और समर्पण की भावना मिलती है। उनके उपदेश हमें संघर्ष की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहने की सीख देते हैं। अतः मेरे प्यारे साथियों, हमें अपने जीवन में भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। हमें अपने कर पालन करना चाहिए और हमें हमेशा उच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को एक सार्थक और सफल दिशा में ले जा सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक महान पुरुष की बातें रखने जा रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन के रास्ते पर सच्चाई, धर्म और साधना की राह दिखाई है। हां, मैं बात कर रहा हूं भगवान श्री कृष्ण की, जिनके जीवन संदेश ने
लाखों लोगों को प्रेरित किया है, उन्हें मार्गदर्शन दिया है और उन्हें जीवन के सभी पहलुओं को समझने की शक्ति दी है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारत के महाकाव्य और ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में हुआ था। उनके विचारों ने हमें यह सिखाया है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हमें उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि सफलता और खुशहाली की कुंजी आत्मसंयम, निष्काम कर्म और भगवत भक्ति में छिपी है। उन्होंने जीवन में धर्म का पालन करने के महत्व को बताया है और यह सिखाया कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, परिणामों का अधिकार हमारे नहीं होता। अर्जुन के रूप में हम सभी कभी कभी संघर्ष करते हैं, हमें कई बार अन्याय का सामना करना पड़ता है, संघर्षों से गुजरना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ सदा ही भगवान का हाथ है। हमें संघर्षों का सामना करना चाहिए और कर्म करते रहना चाहिए, भगवान उसका परिणाम लेंगे। आपका जीवन आपके कर्मों के अनुसार बदलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही महाभारत के कुरुक्षेत्र में युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण रखना चाहिए। अब आप अपने जीवन में भगवान कृष्ण के उपदेशों को कैसे लागू कर सकते हैं? पहले तो आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। आपको अपनी क्षमताओं को समझना होगा और उन्हें विकसित करने का प्रयास करना होगा। भगवान ने हमें स्वयं में आत्मविश्वास बनाए रखने की सलाह दी है। दूसरा, आपको निष्काम कर्म करना होगा। कर्म करते समय आपको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, आपको सिर्फ कर्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फल की चिंता से आपका मन विचलित होता है और आपका कर्म प्रभावित होता है। तीसरा, आपको भगवत भक्ति में लगना होगा। भगवान को स्मरण करना और उनके प्रति आदर और श्रद्धा बनाए रखना हमें सच्ची सुख शांति प्रदान करता है। आज के युग में हम सभी को अपने जीवन में स्थिरता, संतुलन और शांति की तलाश है। हम अपने जीवन में सफलता और खुशहाली की राह चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उपदेश हमें यह बताते हैं कि इसे प्राप्त करने का असली रास्ता क्या है। आखिरकार मैं यह कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सच्चे धर्म, निष्काम कर्म और भगवत भक्ति की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। हमें इन्हीं उपदेशों का पालन करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफलता, खुशहाली और शांति को प्राप्त कर सकें। भगवान श्री कृष्ण की जय। तो दोस्तों, आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा? और हम आपको इस वीडियो में कोई भी कसम नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप अगर श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं और आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखे। और अब हम आपको मिलेंगे किसी ऐसे ही वीडियो में।